जिसके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है और एग्जाम भी आने वाले हैं, फिर कुछ भी तैयारी नहीं किया है, या जितने उसके माँ बाप उसको मारते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ सफलता नहीं मिलते हैं, उसके बच्चे कुछ मन लगते नहीं है। जब इंसान कोशिश न करे, मेहनत न करे, कहा मालिक इंसान को एग्जाम में कामयाबी देगा? हर्बल दवाई से और दुआ से। प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दुनिया में सबसे दाना तरीन, जो सबसे इलम वाले थे, जो सबसे समझदार थे, फिर भी हमेशा ऐसा दुआ करते थे, खुदा से इलम ऐसा मांगते थे, जितनी इल्मा या रब जितनी इल्मा, या हक जितनी इल्मा, या मौला जितनी इल्मा, यानी हे मौला, ए हक, ए रब, ए अल्लाह, ए मालिक, मुझको इल्म अता करो, मेरा इल्म में ज्यादा करो। खुद असलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यह पढ़ते रहते थे और खुदा से इल्म मांगते थे। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से इल्म मांगते थे, अब भी इसी तरह इस चीज को हमेशा वजीफा कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, चलते फिरते हर टाइम में यह पढ़ते रहो और खुदा से मांगो, इंशाल्लाह आपके इल्म में ज्यादा होगी। और ये वजीफे भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। या रब्बिल आलमीन, या हक, या काजियल आजाद, या हक, या मुबीन, या रब्बिल आलमीन, या गाजी अल आजाद, या हक, या मुबीन, या रब्बिल आलमीन, या गाजी अल आजाद, या हक, या मुबीन, या रब्बिल आलमीन। ये भी अगर आपके दिल चाहे चलते फिरते यह भी पढ़ते रहो, या जितनी इल्मा, जितनी इल्मा, यह भी पढ़ते रहना। सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग जो भी यह मेरा वीडियोस को देखते हैं, जो भी चाहने वाले हैं, सभी यह वजीफा कर सकते हैं। और हर्बल दवाई से इलाज, और एग्जाम के रात में क्या चीज खानी चाहिए है, क्या चीज नहीं खानी चाहिए। जब आप देखते हैं कल एग्जाम होने वाले हैं, जो कच्चा है, जो पल है, या जो हर चीज है जो कच्चा है, और जो कत्ती है, जो चीज कत्ती है, कच्चा है, जो पल, हर चीज, वो चीज नहीं खाना, और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, आपके मेमोरी के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। अब इस चीज की वजह से भी आप फेल हो सकते हो। और क्या चीज खाने चाहिए? शहद, बादाम, अंजीर, जैफरान, इसको हमेशा आप खा सकते हैं, हमेशा खाने चाहिए। आपके दिमाग को भी तेज करते हैं, आपके दिमाग और मेमोरी को तेज करते हैं। जो आपके दिमाग है, जो चीज पढ़ते हो, अगर आपकी याद नहीं रह जाते हैं, भूल जाते हो, ये चीज खाने से आपको बहुत मदद करते हैं। जिस रात आपका कल एग्जाम है, एग्जाम आने वाले है, कल सुबह आपका एक एग्जाम है, उसी रात ये चार चीज को जरूर खाने चाहिए। उसी रात से एग्जाम तक, एग्जाम के बाद जब तक आपका एग्जाम खत्म हो जाते हैं, आप गर्म पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पीनी चाहिए। जिस तरह पानी पीनी चाहिए आपकी मर्जी, लेकिन ठंड पानी बिल्कुल नहीं पीना। ना बोर्डर रंज गंज मुयसर नहीं शबाद, रंज मेहनत के बिना जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में कोई भी दफीना, कोई भी खजाना, कोई भी गंज इंसान को हासिल नहीं होते है। मेहनत से, कोशिश से इंसान को गंज मिलते हैं, खजाना मिलते हैं, जो दौलत, पैसा, सब कुछ मिलते हैं। जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं, दुआ मांगना बहुत लाजमी है। यह जो हर्बल दवाई इस्तेमाल करना, जो दिमाग को तेज करने के लिए ही, यह भी लाजमी है। लेकिन इसके साथ मेहनत, कोशिश, इश्तियाक, पढ़ने के लिए आपके मन लगने चाहिए। आप अपनी जिंदगी कुछ सोचनी चाहिए है। अगर मैं कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, इंशाल्लाह फ्यूचर में,
मैं एक इंसान बन जाऊंगा जो लोगों मेरा मोहताज बनेगा। मैं किसी के मोहताज नहीं रहूंगा। तो रिस्क को अल्लाह अल्लाह देने वाले हैं। कौन मोहताज रहेगा नहीं रहेगा ये तो अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे ज़रूर खुदा हमको सफलता देगा, खुदा हमको कामयाबी देगा। कैसे? एक सोच रखनी चाहिए कि मैं डॉक्टर बन जाते हो, मैं इंजीनियर बन जाते हो, मैं एक आलिम बन जाते हो, मैं एक पीर बन जाते हो, मैं एक पिलियत बन जाते हो। कुछ भी सोच आपके दिल, जो चीज़ आपका दिल लगते हैं बनने के लिए वही चीज़ आपके दिमाग में बिठाना बचपन से, फिर वही चीज़ पे कोशिश करना। जब कोशिश आपके अंदर रहेगी, कुछ मकसद हो, कुछ प्लान हो इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए, फिर इंसान कोशिश करते रहे, मेहनत करे, पढ़ाई करे, दिलो जान से कोशिश करे, इंशाल्लाह ज़रूर वो इंसान को सफल मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगा, खुदा भी साथ देगा। कोशिश करना बहुत लाजिमी है, कोशिश के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलते है। सबकी परवरदगार एक ज़रीफ बाबा ख्वाजा सैयद ज़रीफ़ चिश्ती की दुआ हमेशा हम सभी के साथ है। आप सभी से हमेशा हमेशा मैं दिल और जान से दुआ करते हो। जब भी हाथ बुलंद करते हो खुदा से दुआ करने के लिए, या पूरी कायनात के लिए, या सब सभी के लिए ही दुआ करते हो।